हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर था 1299/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार। इसमें 18/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में शिक्षा विभाग ने एक आदेश पारित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पूरा स्पष्ट किया गया है और जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित हुआ है उसका अंश यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं दिनांक 29/10/2024 को अधोहस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया था। तो ये BPSC TRE 1 में इनका हुआ था और इनको अरवल जिला आवंटित किया गया था। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक होने के कारण इनका काउंसलिंग रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा गया है कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होना अनिवार्य है। आवेदिका को 90 अंक से कम प्राप्त है, जो कि 60% से कम है, एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य की महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के अधीन आरक्षण का लाभ का दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर की निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका जो है बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। तो ये जो है शिक्षा विभाग के तरफ से पूरा क्लियर किया गया है। और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसका भी अंश यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे में जो भी 60% से कम अंकों पर दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी यहाँ नियुक्त है, उनके नौकरी पर भी अब संकट जो है वो मंडरा रहा है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।